गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की वीडियो जो है वो पार्ट टू है बेसिक ग्रामर सीरीज़ जो शुरू की गई है उसका, और इसमें हम बात करेंगे नाउन के बारे में। तो ज़्यादा समय गवाए बिना सीधा आगे चलते हैं। मेनली आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ नाउन एंड इट्स टाइप्स। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच जो पिछली वीडियो में पढ़ा था उसमें हमने सभी के सभी जो पार्ट्स हैं 8 के 8 वो एक साथ पढ़े थे। अब इस वीडियो में हम मेनली फोकस करेंगे नाउन के ऊपर और उसके पार्ट्स के ऊपर। और डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है वो नाउन नंबर जेंडर के ऊपर जो है वो रहने वाली है। तो वो भी आप जो है वो ज़रूर देखें। वो वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएगी चैनल के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। चैनल के बारे में आप खुद पढ़ लें पॉज करके, मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़ा, ये छोटा सा रिवीजन है एक। वो हमने देखा था वर्ड्स आर डिवाइडेड अंडर डिफरेंट काइंड्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। दीज काइंड्स आर नोन एज पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब जो काम कोई भी वर्ड्स जो हैं वो करते हैं किसी सेंटेंस में, उसके अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और वो 8 होते हैं जो कि मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद यदि आप चाहें तो पिछली वीडियो को भी जाकर के रेफरेंस में देख सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल है। आज पे पर्टिकुलरली हम बात करने जा रहे हैं नाउन के बारे में। तो नाउन क्या है? नाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एक्शन, क्वालिटी और स्टेट। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, किसी क्रिया का नाम, या किसी, या हम ये कह सकते हैं कि क्वालिटी यानी गुण का नाम, या किसी अवस्था का नाम। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा आपको पहले भी बताया था, ये रिवीजन आपका एक तरीके से हो रहा है। जैसे चंपक कैलाश है वो किसी आदमी का नाम है, हॉस्पिटल है, दिल्ली है, ये प्लेस है, वर्क स्विमिंग है, ये क्या है, ये एक्शन है, और पेन, स्लेट, बुक, ये सारा थिंग्स हैं। ट्रूथ, साइलेंस, ये क्वालिटी है। और नेक्स्ट आता है सिचुएशन। तो सिचुएशन या स्टेट जो है दैट इज़ स्लीप, डेथ और स्टेट। मतलब ये आप पहले भी पढ़, यहाँ पर हम कर चुके हैं। कंटिन्यू इसको आगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे जो पर्सन्स का नाम है उसमें क्या इंक्लूड हो सकता है? एनिमल्स और बर्ड्स का नाम। और थिंग्स के नाम में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है ये भी हमने देखा था। रिवर्स, सीज, बुक्स, मंथ्स, ग्रुप्स, है ना, माउंटेन्स, ट्रेन्स, डेज, एलिमेंट, यानी ये सब चीज़ें जो है ये नाउन के अंडर आती हैं। अब नाउन के अंडर तो आती हैं, लेकिन अब डिटेल में हम देखते हैं कि नाउन के काइंड्स कितने हैं। क्योंकि हमने ये तो देख लिया कि नाउन क्या है, ठीक है, लेकिन नाउन के थोड़े से काइंड्स भी यहाँ पर होते हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं, चाहे हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, या हम सेल्फ लर्निंग के लिए सीख रहे हों, या कोई भी पर्पज़ हमारा हो। तो 5 बेसिक जो है वो यहाँ पर काइंड्स हैं नाउन के। 5 मुख्य प्रकार हैं संज्ञा के। द फर्स्ट वन इज़ प्रॉपर नाउन। अब आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, ध्यान से समझ सकते हैं। फर्स्ट जो है वो है प्रॉपर नाउन। सेकंड है कॉमन नाउन, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में भी मैं बताऊंगा आपको, अभी सिर्फ हम नाम जो है वो पढ़ लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मैटेरियल नाउन है, और कलेक्टिव नाउन है। ये 5 टाइप्स हैं नाउन के, और इन टाइप्स को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बस नाम को ध्यान से पढ़ लें, नाम में ही बाकी का सारा काम हमारा निकल जाता है। तो नाम जो है वो समझना बहुत ज़रूरी जो है वो रहता है किसी भी चीज़ को समझने में। अब हम प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन देखिए, मैंने जैसे बताया द नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, यानी किसी प्रॉपर पर्टिकुलर पर्सन को, किसी प्लेस को या थिंग को जब हम कोई नाम देते हैं तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब एग्जांपल से आप ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मधु वाज बोर्न ऑन ट्यूजडे। अब यहाँ पर विशेष नाम क्या है? मधु एक पर्टिकुलर लड़की का नाम है जो एक पर्टिकुलर डे के दिन पैदा हुई है। तो वो पर्टिकुलर डे क्या हुआ? ट्यूजडे जो यहाँ पर लिखा भी हुआ है। और वो पर्टिकुलर पर्सन कौन है जो उस दिन पैदा हुई? वो है मधु। तो ये दो जो है, यानी मधु और ट्यूजडे जो है, वो इस सेंटेंस में प्रॉपर नाउन्स हैं। नेक्स्ट है दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब दिल्ली जो है वो कैपिटल है इंडिया की, तो यहाँ पर
क्या प्रॉपर नाउन्स आपको नजर आ रही हैं? दिल्ली और इंडिया, ये दोनों क्या है? प्रॉपर नाउन्स हैं। ये किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम है, लेकिन दिल्ली और इंडिया पर्टिकुलरली प्लेस का नाम है। मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ कि भाई जो पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम होगा वो प्रॉपर नाउन होगा, बट इन केस ऑफ सेकंड सेंटेंस जो दिल्ली और इंडिया है वो क्या है, वो एक प्लेस का नाम है। तो वो कैटेगरी जो है उसकी, मतलब जो लिमिटेशंस हैं उस डेफिनेशन की, उसमें फिट बैठ रहा है। नेक्स्ट है गीता, ठीक है। द गीता इज अ सेक्रेड बुक, यानी कि जो गीता है वो पवित्र पुस्तक है। तो अब यहाँ पर क्या है नाम? नाम है गीता, और गीता हर किसी किताब का नाम नहीं है, गीता एक ही है पूरी दुनिया में, है ना जी। तो उसके वर्जन्स अलग अलग हो सकते हैं, बट द गीता इट्सेल्फ इज ओनली वन। गीता एक ही है जो भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिए हैं, और वो उपदेश जो उसमें संकलित है वही गीता है। उसको आप जितनी मर्जी बार रीप्रिंट कर लो, रिपब्लिश कर लो, दैट इज अ सेपरेट इशू, लेकिन वो एक ही पर्टिकुलर बुक का नाम हो सकता है। नेक्स्ट आता है कॉमन नाउन। जैसे मैंने आपको बताया प्रॉपर नाउन क्या है, कोई पर्टिकुलर नाम किसी वस्तु स्थान या जगह का, और उसी प्रकार से जो कॉमन नाउन है, कॉमन आ गया साधारण तौर पर, सामान्यतः जब हम किसी के लिए कोई नाम लेते हैं। डेफिनेशन की ओर चलेंगे, अ कॉमन नाउन इज अ नेम शेयर्ड इन कॉमन, यानी कॉमन नाउन क्या है, वो एक ऐसा नाम है जो कॉमनली शेयर किया जाता है, सभी के द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है, जो कि एक ही वर्ग या समूह के हों। अब देखिए इसको आप एग्जांपल्स में जब हम आएंगे तो और ज़्यादा डिटेल में समझ पाएंगे। बॉयज प्ले इन द फील्ड, अब देखिए मैं भी बॉय हूँ, हो सकता है जो व्यूअर हो वो भी बॉय हो, और हो सकता है कि जो शेयर करे इस वीडियो को वो भी बॉय हो, तो हम सभी अपने आप को बॉय कहेंगे, लेकिन हैं तो हम अलग, मेरा नाम अलग है, मैं अलग हूँ, देखने वाला कोई और है, शेयर करने वाला कोई और होगा, लाइक करने वाला कोई और होगा, लेकिन हम एक कॉमन नाम जो अपने लिए यूज़ करेंगे दैट इज़ बॉय। हम लड़के हैं इसीलिए हम लड़का यूज़ करेंगे। सिमिलरली शारदा हैज़ रेड मैनी बुक्स, अब जो शारदा है उसने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं। अब यहाँ पर जो किताब है, अब उसने पता नहीं हिंदी की किताबें पढ़ी हैं, इंग्लिश की, उर्दू की, कहानी की, कविताओं की, बहुत सी किताबें उसने पढ़ी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर उन सभी किताबों के लिए जो नाम यूज़ होगा, मतलब अलग अलग यूज़ नहीं करेंगे कि उसने गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, बाइबल पढ़ी, कुरान पढ़ी, नहीं, यहाँ पर यूज़ किया ओनली बुक्स। तो बुक्स क्या हुआ? बुक्स हुआ कॉमन नाउन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। देखिए प्रॉपर नाउन क्या है, जो किसी विशेष चीज़ का नाम है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ द गीता, वो एक पर्टिकुलर बुक का नाम है, तो वो हुआ प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन क्या हुआ? कोई भी बुक आ गई वो कॉमन नाउन है। नेक्स्ट है ट्रीज गिव्स अस फ्रूट, जो पेड़ हैं वो हमें फल देते हैं। देखिए ट्रीज, बहुत से ट्रीज हैं जो हमें फल देते हैं, एप्पल ट्री है, मैंगो ट्री है ना, बनाना ट्री है, बहुत से ट्रीज हैं, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि हमने सिंपल कहा है यहाँ पर, जनरलाइज करके कॉमनली यूज़ किया है ट्री एज ए कॉमन नाउन, ठीक है, फॉर ऑल द ट्रीज, और फ्रूट भी एज ए कॉमन नाउन हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। काउ गिव मिल्क, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को अगर हम देखें, यानी जहाँ कहीं पर समूह की बात की जाएगी, कलेक्शन जहाँ पर होगी उस चीज़ के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। अगर डेफिनेशन पे हम चलें तो डेफिनेशन बोलती है, डेफिनेशन सेज अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम गिवन टू अ नंबर ऑफ थिंग्स रिगार्डेड एज अ होल ग्रुप और कलेक्शन, यानी ये एक ऐसा नाम है, कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाम है जो दिया जाता है, इज गिवन टू अ नंबर ऑफ थिंग्स, जो बहुत सी चीज़ों को दिया जाता है, जिनको ऐसा माना जाता है कि वो पूर्ण रूप से समूह में उनको एक दृष्टि से देखा जाता है, ठीक है, हुआ रिगार्डेड एज अ होल ग्रुप और कलेक्शन। अब इसके भी एग्जाम्पल्स में जब हम जाएंगे तो ज़्यादा क्लियर हमारे सामने हो जाएगा। जैसे इंडियन आर्मी फोर्ट ब्रेवली, अब यहाँ पर हु फोर्ट ब्रेवली, तो इंडियन आर्मी, तो आर्मी इज द वर्ड, आर्मी जो है वो कलेक्टिव नाउन है जो कलेक्टिवली यूज़ किया जाता है, और फॉर सोल्जर्स, सोल्जर्स के लिए जो है वो आर्मी कलेक्टिवली यूज़ किया जाता है। सोल्जर क्या है? वो एक कॉमन नाउन है, और हम किसी सोल्जर का नाम ले लेंगे, जैसे राकेश, ठीक है, कैप्टन राकेश, तो वो क्या होंगे? वो प्रॉपर नाउन होंगे। समझ रहे हैं? जब किसी सोल्जर का नाम हम ले रहे हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड, दैट इज़
प्रॉपर नाउन, जब हम उसे एज ए सोल्जर ले रहे हैं तो वो कॉमन नाउन हो गया, और जब हम उसे आर्मी यानी एज ए होल ग्रुप और ट्रूप और कलेक्टिवली उसको ले रहे हैं तो वो चीज़ बन जाएगी कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है आई एम द मॉनिटर ऑफ माई क्लास। अब इसमें भी आप देख सकते हैं जो क्लास वर्ड है वो यूज़ किया गया है कलेक्टिव नाउन के लिए, यानी कि वो कलेक्टिव नाउन है। टू प्लेयर्स ऑफ आर टीम, अब यहाँ पर देखिए टीम की बात है, टीम क्या है कलेक्टिव नाउन, प्लेयर क्या है कॉमन नाउन, और जो प्लेयर का नाम जैसे सचिन तेंदुलकर है, एम एस धोनी है, वीरेंद्र सहवाग है, तो वो क्या है वो प्रॉपर नाउन है, प्लेयर क्या है वो कॉमन नाउन है, और टीम क्या है वो कलेक्टिव नाउन है, ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, अ क्राउड गैदर्ड देयर, अब क्राउड भी क्योंकि ये कलेक्शन है तो वो ऑब्वियसली कलेक्टिव नाउन ही उसको हम जो है वो डील करेंगे। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन, बहुत इजी है, मोस्ट इजीएस्ट, और इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन कई बार जो है वो स्टूडेंट्स को हो जाती है। अ मटेरियल नाउन इज द वर्ड यूज फॉर द सब्सटांस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, ऐसा पदार्थ जिससे कोई चीज़ बन सकती है, क्या मुझसे कुछ बन सकता है, नो तो मैं मटेरियल नाउन नहीं हुआ। क्या जो प्लास्टिक की बोतल आपके हाथ में है या आपके टेबल पर पड़ी है उससे कुछ बन सकता है, हाँ उसको रीयूज करके शायद प्लास्टिक की कोई और आइटम बन जाए, तो प्लास्टिक क्या है मटेरियल नाउन। इसी तरीके से गोल्ड की जो ज्वेलरी है, आपने गोल्ड की रिंग पहनी है हाथ में, उसको मेल्ट करके इयररिंग्स बन सकती हैं, ठीक है, तो दैट इज मटेरियल नाउन। इसी प्रकार से ब्रास है, सिल्वर है, हर वो चीज़ जिससे कुछ नई चीज़ बन सकती है, दैट इज़ मटेरियल नाउन। एग्जांपल में हम जाएंगे तो अच्छे से समझाएगा, कॉपर आ गया है ना, इज़ अ यूजफुल मेटल, रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ब्रास इज़ येलो, तो दीज आर बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग विच वी शुड हैव अबाउट बेसिक ग्रामर। यही पर्पज़ है इस बेसिक ग्रामर सीरीज़ को लॉन्च करने का, सो दैट कि जब भी कोई स्टूडेंट जो है वो स्टार्ट करे, बेसिक जिसको ज़रूरत है वो इस चीज़ को ले सकता है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन उससे भी ज़्यादा इजी, एब्स्ट्रैक्ट यानी कोई ऐसी चीज़ विच वी कांट टच, विच वी कैन ओनली फील, जिसे हम छू ना सकें केवल महसूस कर सकें, बस ये वाक्य याद रखना है आपने, है ना, जिसे हम छू ना सकें केवल महसूस कर सकें। आप डेफिनेशन पे जाते हैं, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द वर्ड यूज फॉर एन एक्शन स्टेट और क्वालिटी, क्या आप कोई एक्शन छू सकते हो, नहीं, हम उसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, स्टेट है, कोई सोया हुआ है, क्या उस सोने को आप छू सकते हो, नहीं, आप उस पर्टिकुलर पर्सन को तो छू सकते हो बट उसकी वो स्टेट जो है, अगर वो रो रहा है तो क्या उसके रोने को छुआ जा सकता है, नहीं, नो, नेवर। तो इसी प्रकार से ये सारे क्या होंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एग्जांपल्स पे भी हम थोड़ा सा देखते हैं, नजर डालते हैं, ब्यूटी इज ओनली 9 days वंडर, अब अक्सर कहा जाता है कि जो खूबसूरती है वो 9 दिनों की मेहमान होती है, या जैसा कि अगर एग्जैक्टली मैं कहूँ तो 4 दिन की चांदनी है ना, तो या नया नया 9 दिन, तो वो जो खूबसूरती जो कहा गया है, क्या उस खूबसूरती को हम छू सकते हैं, नहीं, हम फील कर सकते हैं कि कोई आदमी शुरू शुरू में खूबसूरत है लेकिन बाद में हमेशा वो खूबसूरत नहीं रहता, उसी बेस के ऊपर ये सेइंग बनी है, तो दैट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन विच वी शुड कीप इन आवर माइंड। नेक्स्ट इज लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, अब बाकी मेडिसिन हैं, चाहे पिल्स हैं, इंजेक्शंस हैं, या ऑइनमेंट है ना, क्रीम्स हैं, उनको हम लगाते हैं हाथ पर, वी कैन टच देम, वी कैन ईट पिल्स, वी कैन सिप सिरप्स है ना, दैट इज समथिंग एल्स, ओके, बट व्हेन वी आर सेइंग दैट लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, यानी जो हंसी है वो सबसे बढ़िया दवाई है, तो क्या हंसी को हम छू सकते हैं, क्या हम किसी को हंसी दे सकते हैं, जेब से निकाल के लो ये दवाई है, नहीं, दैट कैन बी फेल्ट, that can be experienced, that can be enjoyed, but that cannot be touched, that cannot be shared, that cannot be distributed. तो यही वो चीज़ है, पॉवर्टी इज द ग्रेटेस्ट कर्स, अब देखिए जो गरीबी है वो सबसे बड़ा अभिशाप है, गरीबी महसूस की जा सकती है, गरीबी एक अवस्था है, एक स्टेट है, बट इट कैन नॉट बी टच्ड, दैट इज़ वाई इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आर्ट्स और साइंसेज के जो नाम है जैसे ग्रामर है, फिजिक्स है, जियोग्राफी है, ये सब भी क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये आता है अक्सर एग्जाम्स में, कंपिटेटिव एग्जाम्स में, वहाँ दे दिया जाएगा फिजिक्स, हम सोचेंगे भाई फिजिक्स तो बिकॉज इट इज़ अ फिजिकल साइंस,
इट माइट नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बट वहाँ पर हम गच्चा खा जाते हैं, हम धोखा खा जाते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, वहाँ पर हमें धोखा नहीं खाना है, वहाँ पर हमें बिल्कुल ध्यान से आगे बढ़ना है। नेक्स्ट जो मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स। अब मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन है वो उसके जो है वो सब हेडिंग्स है। पहला है काउंटेबल नाउन्स, यानी जिसे गिना जा सके, विच कैन बी काउंटेड, जैसे वन बुक वन स्लेट, टू बुक टू स्लेट्स, थ्री गर्ल्स थ्री बॉयज, फाइव स्टार थ्री स्टार है, इसको हम गिन सकते हैं एग्जैक्टली ऑन फिंगर्स, ठीक है, हम गिन सकते हैं, तो वो क्या हुआ, काउंटेबल नाउन हुई। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो अनकाउंटेबल नाउन, यानी जिसे गिना ना जा सके, विच कैन नॉट बी काउंटेड, लाइक इंक ऑयल बटर फ्लोर। अब क्या तुम आटे के दाने गिन सकते हो? नहीं, हम केवल उसका वेट कर सकते हैं। बटर को क्या हम कैन वी काउंट बटर? नो। कैन वी काउंट ऑयल? नो। तो इस तरीके से सिमिलरली इंक को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है बच्चों आज के दिन के लिए, डियर स्टूडेंट्स, आज के दिन के लिए ये काफ़ी है। आज हमने नाउन के पार्ट्स को पढ़ा। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो होगी नाउन नंबर और जेंडर पर, नाउन का नंबर कैसे बनते हैं, जेंडर कैसे बनते हैं, डिटेल में हम स्टडी करेंगे। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई आपकी क्वेरी छूट गई हो, कुछ आप पूछना चाहते हो, कुछ रह गया हो, यू आर मोस्ट वेलकम, आप ज़रूर पूछें और आपकी क्वेरीज का इंतज़ार रहेगा। अब मिलते हैं अब अगली वीडियो में। बाय बाय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।